सोनाली टेली कम्युनिकेशन, गिट्टी के निर्माता एवं विक्रेता। हमारे यहाँ LNT, JCB, ट्राला, डंपर, वाइब्रेटर, रोलर, पेवर, फ्लोरी आदि मशीन किराए पर उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल 9893057151, फोन नंबर 07542408198। आरोन पनबाड़ी हाट रोड पर रोरिया गांव के पास बस पलटने से अनेक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। विद्यासागर दयोदय गौशाला और मानव सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में शुरू किए गए गो कास्ट निर्माण कार्य का लोकार्पण जिला कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने किया। गुना के PG कॉलेज में आज मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। 23 मई को होगी लोकसभा निर्वाचन की मतगणना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वॉलेंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। गुना विधायक गोपीलाल जाटव सहित विभिन्न भाजपा नेताओं ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर संतोष व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन की प्रशंसा की। कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध SUCI ने पश्चिम बंगाल में ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ने का विरोध किया। विद्यार्थी नगर निवासी एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पारदी महिलाओं और बच्चों ने कृषि यंत्रों की चोरी का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उनको गिरफ्तार किया। भोरा समाज के पदाधिकारियों ने AB रोड स्थित कब्रिस्तान की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा हड़पने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। बीना कोटा रेल से दोपहर में एक युवक गिरकर घायल हुआ। परवई से अशोक नगर शादी में शामिल होने जा रहा था युवक। सदियों से चला रहा गायत्री मंदिर में शादियों का दौर, रोज अधिक से अधिक संख्या में भगवान को साक्षी मानकर हो रहे हैं विवाह संपन्न। चेक बाउंस के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बजरंगगढ़ पुलिस ने की सफलता प्राप्त।